Good morning everyone. In the last lecture we have studied about the different types of unit cells. So basically in this lecture we are going to study about some numericals on the basis of that. So basically first numerical mein kya de rakha hai ki if PQR crystallizes in a lattice having p atoms at the corners. So the p atom wo rakhe kahan pe hai? सबसे पहले बात करेंगे p atom at the corners of a cell. अगर कोई भी इन्होंने क्रिस्टल बनाया उस क्रिस्टल या यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे p atoms हैं. बेसिकली क्यूब एटम्स इज एट द क्यूब सेंटर. है ना, क्यूब सेंटर मतलब क्यूब क्या होता है, यूनिट यूनिट सेल की बात कर रहे हैं. यूसी के सेंटर पे है मतलब क्या हो सकता है, बॉडी सेंटर पे है. है ना, बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे है ये वाला एटम. और आर कहाँ पे है, आर एटम इज एट, आर एटम इज एट द सेंटर ऑफ फेसिस ऑफ द यूनिट. मतलब सेंटर ऑफ फेसिस, सेंटर ऑफ फेसिस ऑफ यूनिट. इसमें एक फेस की बात नहीं है, जिसमें सारे फेसिस की बात नहीं है, सारे फेसिस की बात कर रहे हैं. आपने कैसे बेसिकली अगर आपको यूनिट सेल बनाना तो यहाँ पे इस तरह से बेसिकली क्या बोला, हर फेस के सेंटर मतलब ये एक फेस हो गया, ये ऊपर वाला ये एक फेस है ना, ये एक फेस है पूरा. छह फेसिस होते हैं इसके एक क्यूब के. ऊपर वाला फेस एक इधर वाला, एक सामने वाला, एक इसके पीछे वाला, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और डाउनवर्ड वाला. है ना, तो ऊपर वाले फेस के सेंटर में वाला ये हो गया एक एटम. इस तरह से इस तरह इस ये वाला फेस जो होने वाला इधर वाला, इस फेस के में होगा एक, एक ये वाला फेस होने वाला है इस फेस के भी होगा. एक आगे फ्रंट फेस है, एक डाउन में फेस है ये वाला, एक पीछे वाला फेस और आगे वाला. छह फेस तो मतलब छह एटम्स होंगे यहाँ पे. और बेसिकली अब हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन कितना है, p बोल रहा था कॉर्नर्स पे, सारे सारे कॉर्नर्स पे. तो सारे कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितना आता था, 1 बाय 8 कंट्रीब्यूशन होता है टोटल. है ना, एक एटम का एक यूनिट सेल में. और टोटल कितने एटम्स है, 8, तो कैंसिल आउट कितना रह जाएगा, एक एटम. मतलब p का कितने एटम है टोटल, p के सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में. और बेसिकली बात करें क्यों किस में प्रेजेंट है, क्यूब के या मतलब बॉडी सेंटर प्रेजेंट है. बॉडी सेंटर मतलब बीच में, बिल्कुल यहाँ बीच में प्रेजेंट होगा इस तरह से. और बीच वाला जो होता है वो हमेशा एक यूनिट सेल में एक ही कंट्रीब्यूशन करता है पूरा का पूरा, क्योंकि उसी के अंदर किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहा हो, सिंपली एक एटम का कंट्रीब्यूशन इसमें भी जाएगा. अब थर्ड टाइप की बात करो, थर्ड टाइप में आर में क्या है, आर में एफसीसी है. एफसीसी में टोटल कंट्रीब्यूशन जाता है, एक एटम जो है इधर भी कंट्रीब्यूट करेगा ऊपर वाली यूनिट सेल में, आधा पार्ट अपना और आधा पार्ट नीचे कंट्रीब्यूट करेगा ना. एफसीसी हम लोगों ने देखा था कि आधा जो है पोर्शन ऊपर कंट्रीब्यूट करता है, इसका आधा पोर्शन जो है नीचे वाली यूनिट सेल के अंदर. तो बेसिकली कितना, एक एटम का कंट्रीब्यूशन आता है 1/2. है ना, और टोटल कितने एटम है, 6. तो कितना हो गया, 3 एटम्स. तो बेसिकली अगर बात करें कि सीसीटी पी जो है उसमें एक एटम प्रेजेंट है, क्यू का एक एटम है और आर के 3 एटम प्रेजेंट है. तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बनने वाला है, फॉर्मूला बनेगा पी का 1, क्यू 1 और आर 3. या सिंपल ऐसे लिख लो, या सिंपल लिख लो p q r. ये फॉर्मूला बन चुका है हमारा किसका, जो हमें निकालना था कि हाँ इस ये तीन एटम से अगर एक यूनिट सेल बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, p q r. इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं. बेसिकली नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट कि सोडियम जो है, सोडियम ने क्या किया, सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन अ बीसीसी यूनिट सेल. सोडियम ने जो यूनिट सेल बनाया वो कौन सा, बीसीसी टाइप. है ना, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर, जिस पे क्या क्या था. बीसीसी में क्या होता है, एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं सारे के सारे एटम्स और कॉर्नर्स के साथ साथ एक बॉडी सेंटर पे होता है जो कि सिर्फ सिर्फ उसी उसी यूनिट सेल में कंप्राइज करता है, किसी और यूनिट सेल के शेयर नहीं होता. एक तो ये बाकी 8 कॉर्नर्स इस तरह, ये हमारा बीसीसी यूनिट सेल है. ये बेसिकली सोडियम ने बनाया और हमको बोला गया कि कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम. है ना, तो सोडियम का वेट दे दिया गया है कितना, 9.2 ग्राम जो है गिवन वेट है हमारे पास, गिवन मास या गिवन वेट है ना. ये देखो और बता रहे कि इतना ग्राम अगर मैंने सोडियम लिया तो कितने यूनिट सेल वो बना पाएगा ना. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देख रहे ना, ये बोर्ड में भी काफी बार पूछा गया. तो बेसिकली इसमें क्या करना, सबसे पहले हमें एक बात आप लोगों को बताओ कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स.
और वन मोल जो है वो भी किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास के इक्वल होता है ना। तो मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी आपस में इक्वल होने वाले। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 23 ग्राम है ना, एटॉमिक मास कितना है सोडियम का, 23 ग्राम। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम विल हैव कितने एटम्स होंगे उसमें, 6.022 × 10³ एटम्स होंगे किसमें, अगर मैंने सोडियम का वेट कितना लिया 23 ग्राम है ना, ये बात की। अगर मैंने 1 ग्राम ले लिया, 1 ग्राम ऑफ सोडियम विल हैव कितने होंगे, 6.022 × 10³ डिवाइड बाय 23 कर देंगे ना सिंपली है ना, इसको अगर इतने ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा, डिवाइड कर देंगे उसको यहां पे और ये एटम्स हमारे पास आ गए। बट हमें निकालने कितने एटम्स है, कितने में, 9.2 ग्राम में हमें एटम्स निकालने, 9.2 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 9.2 ग्राम में क्या हो, 6.022 × 9.2। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 2.35 अप्रोक्सीमेटली, दिस है ना 2.35 36 के आसपास, 2.365 के आसपास, ये है ना आफ्टर कैलकुलेशन आप देख सकते हो, ये चीज हमें मिल जाएगी। अब मुझे नंबर ऑफ एटम्स को पता चल गया, बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स निकल आए कितने में, एक यूनिट सेल, और मुझे पता है कि कौन सा यूनिट सेल बना रहा है, वो बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हमने कल देखा था, इन केस ऑफ बीसीसी यूनिट सेल बेसिकली टू एटम्स आर प्रेजेंट है ना, एक कॉन्ट्रीब्यूशन कहां से आता है, एक कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा इससे आएगा है ना, बाकी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन, बाकी बचे 8 एटम्स आता है बेसिकली, 1/8 करके 1/8 × 8 विल बी 1 एटम फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड 1 एटम फ्रॉम द बॉडी सेंटर। सो बेसिकली देयर आर टू एटम्स। तो हमें पता है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, टू एटम्स विल फॉर्म वन यूनिट सेल है ना, एक यूनिट सेल बना रहा है दो एटम, तो एक एटम कितना बनाएगा, विल फॉर्म 1/2 यूनिट सेल, ये बात तो ठीक है। तो इतने एटम्स कितने यूनिट सेल बनाने वाले, तो 2.365 × 10³ विल फॉर्म 1/2 मल्टीप्लाई 2.365 × 10³। सो बेसिकली इसको सोल्व करेंगे लगभग कैंसिल आउट हो गई है, 1.23 × 10³ यूनिट सेल्स के आसपास आ जाएगा। मतलब क्या, कितना ज्यादा नंबरिंग है यूनिट सेल है ना, 1.23 × 10³ टाइम्स है ना। रीजन भी क्योंकि थोड़ा सा ही तो मैंने सोडियम लिया, बट क्योंकि यूनिट सेल काफी छोटा स्ट्रक्चर होता है तो इसलिए काफी सारे यूनिट सेल बन सकते हैं। स्पेस लेटिस की बात नहीं करें, आप यूनिट सेल निकालने, तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली यूनिट सेल निकालने का। सबसे पहले हमने एटम्स निकाले है ना, गिवन मास से हमने वन मोल का कॉन्सेप्ट लगा के सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकाले, इतने मास में कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के बाद क्या देखा, बीसीसी यूनिट सेल बना रहे तो दो एटम, अगर एससीसी बना रहा होता तो यहां पे 4 एटम आ रहा तो अकॉर्डिंगली उसमें सॉल्व होता। तो दो एटम से एक यूनिट सेल बनता है, कौन सा, बीसीसी बन रहा है, एक यूनिट सेल दो एटम से है ना, तो एक एटम से कितना बना, 1/2, और इतने एटम से कितना बना, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। Now next topic is types of unit cell on the basis of axial parameters. So basically let's see first what is axial parameters here. And types of unit cell हम पहले भी कर चुके हैं, किस basis पे? उनके arrangement के basis, कैसे कैसे कहाँ का number placed है atoms के. So basically इसमें क्या होगा, अगर मैं बनाना था unit cell, ये यूनिट सेल बेसिकली, और पता है ना मैंने यूनिट सेल कहां बनाया, ऑन द एक्सिस, अब मैं बेसिकली बात कर रहा हूं इसमें क्या, कितने टाइप की एक्सिस हमारे पास, तीन टाइप की एक्सिस होती है, ये क्या है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है ना, इन द प्लेन, क्योंकि थ्री डी है तो इन द प्लेन बनाया। अब अगर मैं बात करूंगी एक्सियल, दो टाइप के पैरामीटर्स, टोटल 6 पैरामीटर है हमारे पास, टाइप दो टाइप है और 6 पैरामीटर एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, टोटल 6 पैरामीटर आर देयर,
सिक्स पैरामीटर्स आर देयर, और बेसिकली दो टाइप्स के हैं, एक्सियल एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल्स, है ना। एक्सियल लेंथ में तीन टाइप होती है, ए बी एंड सी टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सियल एंगल्स को अल्फा बीटा एंड गामा से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। सो अभी मैंने क्या मान लिया कि देखो जिस एक्सिस पे जितनी लेंथ को शो कर रहा होगा बेसिकली, ये एक लेंथ ये है हमारे पास, है ना, एक लेंथ ये है हमारे पास और एक लेंथ यहां तक है इस तरह से। और अगर मैं बात करूं एक ये लेंथ है बेसिकली, तीन लेंथ की बात करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। सो इसमें क्या होने वाला है, मान लो अगर मैं बोलूं कि ये जो लेंथ है यहां से लेकर ये ओरिजन है, इस ओरिजन से लेकर z एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट दे रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, वो है a लाइन, वो क्या है, a एक्सियल लेंथ है। कहां से कहां, ये o मान लो इसको मैं, उसका z मान लो, हमारा oz कितना है, oz विल बी a है, यानी इसको मैंने ओरिजन को o मान लिया और यहां पे जो इंटरसेप्ट दे रहा हूं z एक्सिस पे, तो मैं इसको स्मॉल z से रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल OZ से रिप्रेजेंट कर दिया, OZ will be equal to A, और जो उसके अपोजिट का एंगल होने वाला है ये एंगल, बाकी जो इंटरसेप्ट जो रह गए, है ना, इस इंटरसेप्ट को छोड़ के बाकी जो दोनों रह गए एक्सिस पे उनके बीच का जो एंगल होगा उसको मैं बोलूंगा अल्फा। ठीक है, ये बात समझ आई कि A अगर ये है एक्सियल लेंथ, अगर मैंने ये वाले D इस इंटरसेप्ट पे Z एक्सिस पे, तो बाकी जो दो एक्सिस बचे उसके उन दोनों के बीच में दो एंगल होने वाला, उसको मैंने क्या बोला, अल्फा। तो बेसिकली और कह सकता हूं एंगल बिटवीन, इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया y, इनको कैपिटल दे देता हूं, तो ये तो आता है कि एंगल बिटवीन बेसिकली है एंगल बिटवीन किस किस के बीच में, ox एंड oy इज अल्फा, है ना, ox और oy अल्फा, इनके बीच में देखो ox ये है oy, इनके बीच का एंगल जो है अल्फा के लाइन। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर ये अल्फा होगा ना, अपोजिट की बात कर रहे हैं बिल्कुल, अब मैं मान लू कि इधर से इधर जाते हुए को मैंने मान लिया b, है ना, कहां से o और x को जो है वो मैंने क्या मान लिया b है, इसकी एक्सियल लेंथ जो है वो b है, तो इन इसको छोड़ के बाकी जो एक्सिस कौन सी बची, oz और oy, उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है बीटा, कितना होगा बीटा। सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि एंगल बिटवीन किस किस के बीच का एंगल, ox सॉरी oy एंड oz will be beta है, चलो एक बात और बात करी, अब लास्ट जो एक्सियल लेंथ बची वो क्या है, वो है o और y, o और y की एक्सियल लेंथ हमने मान लिया c बेसिकली। सो एंगल कितना रह गया, एंगल किस किस के बीच में होगा, ये इस लेंथ की बात करें तो बची रिमेनिंग लेंथ कौन सी है, o और x और oz के बीच में जो एंगल होगा ये, इसको मैंने क्या बोल दिया गामा, तो उसको मैंने क्या बोल दिया बेसिकली गामा। अब तो समझ पा रहे हो ना, मार्किंग नहीं कर रहा है आपके, इसलिए मैंने नाम लिख दिया था कि मार्किंग से फिर बुजुर्ग बुजुर्ग बन जाएगा, काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली। सो एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या होगा, ओ वाई का नाम लेता है एंगल बिटवीन ओ एक्स एंड ओ जेड विल बी गामा। सो ये छह टाइप के हमारा बेसिकली क्या है, एक्सियल पैरामीटर्स है। सो इन्हीं के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे इसकी डायरेक्शन किधर होती है, किसी क्या, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहीं पे एक बार उसके अंदर सीधा टेबल बनाएंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्यूबिक, सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है, क्यूबिक में यही इसी की बात करने वाला हूं मैं। इसमें बेसिकली क्या होगा, अल्फा बीटा गामा की जो लेंथ है ना, देखो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू से भी जाननी है, ए बी सी की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ए बी सी की वैल्यू से लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है उनके वैल्यू इक्वल है या नहीं है, बेसिकली लेना देना किस चीज से है, वैल्यू इक्वल है या नहीं है हमारे पास, उस चीज से लेना देना है ए बी सी। तो बेसिकली मैं बात करूंगा क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में जो लेंथ है ना वो तीनों के तीनों इक्वल होने वाले, मतलब ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी, यानी क्योंकि क्यूब है, क्यूब में ये डायरेक्शन भी इतनी है, ये देखो क्योंकि 3D है बोर्ड पे इतना दिखे ना, इसलिए वरना क्या है, वरना क्या है, ये ओ जेड ओ एक्स और ओ वाई तीनों की तीनों लाइन जो है यहाँ सेम, मतलब कह सकते हैं आप कि ओ एक्स विल बी इक्वल टू
ओ वाई विल बी इक्वल टू ओ जेड। ये सिंपली आपको मतलब डायग्रामेटिकली समझाने के लिए ये नहीं लिख के आ रहा आप लोगों एग्जाम्पल में, ये टर्म है कि ए विल बी इक्वल टू बी एंड विल बी इक्वल टू सी पर, तीनों साइड आपस में इक्वल है, एक बात हुई। दूसरा अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल्स की क्या बात है, बेसिकली एंगल्स में क्या है, एंगल्स अब देखेंगे अपोजिट जो डायरेक्शन था उनके एंगल्स क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा वो सेम रहने वाले, कितने रहने वाले, कितने रहने वाले। अगर मान लो ये तीनों एक्सिस जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है ना, तीनों एक्सिस क्या आपस में, ये एंगल भी 90 डिग्री का होता है, इसके ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई, वाई जेड वाई एक्स के बीच में भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है और ये भी बेसिकली 90 डिग्री ही होता है ना, तीनों एंगल जो है आपस में 90 डिग्री पे है ना। तो बेसिकली क्या होगा, 90 डिग्री पे एंगल है तो इसी चक्कर में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी एंगल है सारे अल्फा बीटा गामा तीनों के जो इक्वल है, तीनों के तीनों एंगल क्या है, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गामा, कितनी वैल्यू है सबकी, 90 डिग्री। तो बेसिकली ये दो पैरामीटर हमारे पास आ चुके हैं किसके लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जिसमें ए बी और सी तीनों इक्वल है और अल्फा बीटा गामा जो है वो उसके अंदर उसका कितना एंगल है 90 डिग्री। सो बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट था और हम सिक्स पार्ट्स और देखने वाले हैं, तो नाउ लेट्स सी। नाउ लेट्स सी बेसिकली द टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेवन यूनिट सेल्स हियर, एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल। आई विल राइट द नेम ऑफ द यूनिट सेल हियर। फर्स्टली अब देख चुके हैं क्या क्यूबिक वाला, मतलब बेसिकली इन द क्यूबिक यूनिट सेल व्हाट वाज द एक्सियल लेंथ, ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी एंड एंगल विल बी अल्फा बीटा गामा ऑल 90 डिग्री है ना, ऑल आर 90 डिग्री। सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड टाइप इज टेट्रागोनल, सेकंड टाइप इज टेट्रागोनल। सो बेसिकली अब हम क्या करें, टेट्रागोनल को याद करने का तरीका क्या है, इसको मैंने क्या किया, सिर्फ ए इज इक्वल टू बी सेम रखा और विल नॉट इक्वल टू सी, मतलब सी वाली जो लेंथ है वो डिफरेंट होने वाली है, ए और बी सेम होने वाली है और ये वो एंगल जो बिल्कुल सेम टू सेम रखे हुए, अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों ये तीनों सेम रखे हुए, इसमें कोई चेंज नहीं है क्या। तो टेट्रागोनल में बना ही सकते, बेसिकली देखा है अगर क्यूबिक हमने कैसे बनाया था, पर देख लेते हैं बना के क्यूबिक क्या था। क्यूबिक है हमारे जहाँ पे तीनों लेंथ लगभग सेम होती थी, एक दो तीनों लेंथ लगभग सेम है, ए बी सी यानी यही तो थी, ए बी सी ए बी और टेट्रागोनल में भी बात होती क्या, मैंने दोनों ए और बी इक्वल रखी, मतलब ए और बी जो मेरी है वो इक्वल रहने वाली है, लगभग सी में डिफरेंस आएगा, सी काफी लंबा होता है ना, इस तरह से अब इसको क्यूब बनाऊंगा, क्यूब बनने वाले अगर बनाऊंगा इसको कंप्लीट करूंगा तो क्या बनने वाला, इस तरह से ये चीज है ना, ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, इसमें क्या रखा ए और बी दोनों सेम है, ए और बी बोथ आर सेम एंड सी इज डिफरेंट है ना, मैंने अलग चौक से बनाया था कि आपको बता कि हाँ डिफरेंट है, सी डिफरेंट है, ए और बी जो है तीन तरह से चौक है जो कि इक्वल लेंथ की है और जो सी है वो हमारा किस लेंथ का है, कोई से ज्यादा लेंथ का है या इससे कम भी हो सकता है बेसिकली बात ये। तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ये है, ये क्या है हमारे पास क्यूबिक, तो क्या बनवाऊंगा टेट्रा है ना, इसमें क्या किया सिर्फ हमने लेंथ देखो 90 डिग्री एंगल तीनों में सेम रखा है, ये एंगल ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री का ही है, कोई चेंज नहीं आया एंगल्स में, एंगल्स जो है तीनों तीनों सेम रखे, कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज इसमें आया एक्सियल लेंथ में जो कि सिर्फ बी और ए और बी सेम है और सी डिफरेंट होने वाली है। Now let's see third type. इसको बोलते हैं रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थो या ऑर्थोरोम्बिक। So basically इसमें क्या होने वाला है? इसमें भी एंगल जो है हम लोग सेम रखेंगे। एंगल एज इट इज सेम रखा, बस मैंने वो क्या चेंज कर दिया, इसमें क्या किया ए विल बी इक्वल टू बी विल बी
तीनों के तीनों आपस में एक बार मिलेंगे कहने की बात है, और रोमिंग के आपको रोमिंग में तीनों के तीनों एक बार नहीं होने वाला, बट एंगल जो है वो अभी भी 90 डिग्री का रिटेंड है ना, एंगल तीनों का 90 डिग्री है, मतलब एक्सिस पे ही बनने वाले हैं तीनों के तीनों, जो साइड्स हैं क्यूब की, सॉरी क्यूब नहीं बनेगा, और तो रोमिंग की जो है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों साइड्स जो है अनइक्वल होने वाली, जैसे बना के देखते कैसे, बात करो की है बी ये बना दिया, ए ये हो गया, सी ये हो गया, है ना, तीनों की तीनों साइड आप लोगों को अनइक्वल दिख रही होगी, है ना। तो क्या करता हूँ बी को ऐसे करते थे सर, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लिखे, है ना, और सी को मैंने डिफरेंट कर लिया पिंक, तीनों तीनों साइड्स अब डिफरेंट है, तो कंप्लीट करेंगे तो कैसे होगा, ये हमारा क्यूब बन चुका है, जिसमें ये वाली साइड से ऐसा ही ये सारी सारी साइड क्या होगी, ये है पिंक कलर वाली सारी सारी इस साइड है, सी साइड है, एक्सियल लेंथ सी है पिंक कलर के तार की तरह, ये डॉटेड वाली कौन सी है, बी है, तो क्या होगा पिंक कलर वाला सी है, डॉटेड वाली बी है, सिंपल वाली ए, तीनों जो साइड अलग अलग है, आप लोग देखो तीनों तीनों साइड है वो अलग अलग है, तीनों तीनों साइड अलग अलग है, ये टेट्राहेड्रल था, इसको क्या बोलूंगा, रोम्बिक या ऑर्थो रोम्बिक, रोम्बिक और ऑर्थो रोम्बिक, है ना, ये थर्ड टाइप का हमारा हो चुका है। आप देखो एंगल यहाँ भी सेम है, एंगल रिटेन रखे हमने, ये भी 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तीनों एंगल्स 90 डिग्री है, बट लेंथ जो है वो तीनों डिफरेंट हो गई यहाँ पे, तो बेसिकली थर्ड टाइप क्या था ना, रोमिक और ऑर्थोरोमिक, है ना, ये आप लोग बना के देख सकते हो घर पे, इजी रहेगा, एक डायग्राम बेसिकली ड्रॉ करोगे तो सब क्लियरली समझ आएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें, जो फोर्थ नंबर है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट है मोनोक्लिनिक, फोर्थ पॉइंट इज मोनोक्लिनिक, बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या किया, लेंथ जो है वो अभी भी रिटेन नहीं है, क्या ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल जो है वो थोड़ा सा डिफर कर चुका है, एंगल में क्या होगा, एंगल जो है यहाँ पे रहने वाला, इसमें क्या कह रहे कि अल्फा और गामा जो है वो 90 डिग्री का है, बट बीटा जो है ना वो 90 डिग्री का नहीं है, बेसिकली क्या अल्फा गामा जो है वो 90 डिग्री के रहते हैं, बीटा जो है वो विल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, सो ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ की बात करो, अगर फिफ्थ इज ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में क्या होने वाला, ट्राइक्लिनिक में जो है ए बी और सी तीनों आपस में नॉन इक्वल है, और यहाँ पे साथ में अल्फा बीटा गामा वो भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होने वाला, तीनों आपस में इक्वल नहीं होने, मतलब सबसे बेकार जो फील्ड्स जो कह सकते हैं सेल्फ, इसमें ना ये चीजें इक्वल है ना ये चीजें इक्वल है, जो कि सबसे अनसिमेट्रिकल है वो कौन सा, वो ट्राइक्लिनिक है ना, क्या यहाँ पे सबसे अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है, इस तरह से मतलब बनेगा कि यहाँ पे ना तो ए बी सी तीनों साइड सेम है ना एंगल सेम होने वाले, मान लो ये एंगल ज्यादा है ये कम है ये उससे थोड़ा ठीक है दोनों के बीच का है, तो मतलब तीनों 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होने चाहिए, और जो है तीनों आपस में क्या नहीं होने चाहिए साथ में, ना 90 डिग्री के इक्वल होने चाहिए और ना तीनों आपस में सेम होने चाहिए, बेसिकली वो क्या बनेगा ट्राइक्लिनिक, सबसे अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो है हेक्सागन, हेक्सागन हेक्सागोनल में क्या है, बेसिकली हेक्सागोनल इज
यहाँ पे क्या करेगा आप देखो, ठीक है थोड़ी सी बात करनी है। क्यूबिक में हमने क्या किया, तीन एकदम रखे, टेट्राहेड्रन में क्या किया, एक पीछे वाले को अनइक्वल रख दिया, रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक में क्या किया, तीनों का इक्वल, अगले में तीनों को, ट्राइक्लिनिक में तीनों, बीच वाले तीन जो है वो क्या करेंगे ऐसे ही रहने वाले। अब जो नीचे दो और बचेंगे, यहाँ पे सेवन आएगा हेक्सागोनल के बाद, है ना, सेवन जो आएगा उसमें क्या करेंगे, ये तीनों सेम रखे, जैसा टेट्राहेड्रन था वैसा हेक्सागोनल को रखना है कि ए बी इक्वल टू, ये हटता जाएगा, अब तीनों कैंसिल हो गए थे, अब ये हटेगा पहले, फिर ये वाला भी हट जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे उस तरह से। तो इसको क्या लिखना होगा, ए विल बी इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इस तरह से याद करने का तरीका आप लोग सोच सकते हो कि हाँ ये तीनों इक्वल रख दिए और ये जो है इस तरह का बिल्कुल सेम कर दिया, और अगले वाले में जो आने वाला है अगला नेक्स्ट जो होगा वो भी इस ये इसके इक्वल होगा ना। अगला क्या हो सकता है, रोम्बोहेड्रन बोलते हैं इसको, या जिसको हम बोलते हैं ट्राइगनल, ट्राइगनल स्ट्रक्चर या क्या बोल सकते हैं रोम्बोहेड्रन। तो बेसिकली इसमें क्या है, इस पहले हेक्सागन पूरा करते हैं, क्या अल्फा जो बीटा जो है ना वो तो कितना रहते हैं 90 डिग्री रहने वाले, बट गामा एंगल जो होता है ना वो 120 के आसपास रहा है। हेक्सागन हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले अगले लेक्चर में, तो स्ट्रक्चर बनाए देखेंगे बेसिकली पूरा। अभी क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये तीसरी साइड इक्वल नहीं है, और साथ में क्या अल्फा बीटा एंगल जो है वो इक्वल होने वाला है, गामा विल बी 120 डिग्री। द लास्ट वन इज ट्राइगनल, ट्राइगनल में क्या करना है, सिंपल ए बी सी इक्वल कर दो तीनों, ए बी सी तीनों इक्वल हो गए, और यहां पे क्या करने वाले, यहां पे करने वाले कि अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गामा, तीनों आपस में सेम है, पर तीनों किसके इक्वल नहीं है, तीनों 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, कहने की बात तीनों आपस में सेम है, अल्फा बीटा गामा विल बी सेम बट विल नॉट बी इक्वल टू द 90 डिग्री। बेसिकली ये सेवन टाइप्स है हमारे पास, किसके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेल पैरामीटर, देयर सेवन टाइप्स ऑफ ग्रिड सेल्स। तो बेसिकली अब इसमें एक और बात क्या है, ये तो ठीक है चलो हो गया, अब सबसे जरूरी बात इसमें है आप लोग कैसे याद कर सकते हो, रट्टा मारने का तरीका क्या है, तरीका क्या है, फर्स्ट इसको ले सकता हूं सीटी, अगर सीटी मतलब सीटी किसको बोलते हो, सीटी मत मारो है ना, सीटी से मतलब सी और टी, सीटी ऐसे याद करते हो, सी एंड टी दोनों आ रहे हैं, सीटी रे या ओ कुछ भी कह लो है ना, सीटी रे, रे से रोमले याद कर सकते हो, ओ से और, तो सीटी रे मत, मत से क्या क्या कर सकते हो, एम से क्या होने वाला है मोनोक्लिनिक, और टी से क्या कर सकते हो आप ट्राइक्लिनिक, ना सी टी रे या ओ मत मारो, बीच में एक एडिशनल आ गया इसे कुछ नहीं है, मत मारो रे ऋतिक रोशन, ना ऋतिक रोशन से क्या याद कर सकते हो बेसिकली, ना एच से क्या याद होने वाला है हेक्सागनल, बीच वाले टोटल सात है, बीच वाले तीन को थर्ड फोर्थ फिफ्थ को इक्वल रखो, ऐसे सारे घर इक्वल सेम रखो, और ऊपर वाले दो को फर्स्ट में सारे इक्वल, फिर बीच में सेकेंड वाला, इसी तरह सेम पैटर्न उल्टा उल्टा करके नीचे आ जाएगा है ना, ये एक इक्वल दूसरा इक्वल तीनों यहाँ पे इक्वल हो गया, या एंगल्स को आपको याद करना पड़ेगा थोड़ी सी। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।